कुरान क्या कहता है मियाँ और बीवी के ताल्लुकात के बारे में मैं इससे पहले के आयात बताऊँ कि क़ुरान मजीद में इन वो आयात क्या कह रही हैं मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मैं दो तीन बातें कुछ आपको बताना चाहता हूँ अरबी लफ्स जो है क़ुरान मजीद में शौर को कहते हैं बाल जैसे शौहर उर्दू का लफ्ज़ शौहर अरबी का लफ्ज़ बाल और इंग्लिश में हस्बैंड और एक और वर्ड कुरान मजीद में, में वो अल्फाज कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं मर्द औरत औरत के लिए वो मैं अल्फाज बता रहा हूँ कि अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं एक लफ्ज़ है मर इ अल मर उसको आदमी कह लें आप वो ये भी कुरान मजीद में, में इस्तेमाल हुआ है और ज़्यादातर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वह है रिजाल रिजाल कहते हैं मर्द को और फिर एक इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ जोज जोड़, जोड़ जोड़े ये मर्द के लिए यानी मर्द के लिए भी औरत जो है जोज है और औरत के लिए भी मर्द जो है जोज है हमारी उर्दू लैंग्वेज लेंग, में उर्दू ज़बान में हम कहते हैं जवजा लेकिन अरबी में दोनों के लिए जोज इस्तेमाल हुआ है फिर इसके जैसे हमारे यहाँ जेंडर्स होते हैं मुजक्कर और मोनस यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ये भी वर्ड ये लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल हुआ है मुजक्र और मानस तो अरबी में ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक मर्द के लिए या मैस्कुलिन जो है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये रिजाल बाल जाउज जोड़ा और मुजक्र इसी तरह औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है वर्ड नसा सूर नसा एक सूरत भी है वो भी इस्तेमाल हुआ है और एक लफ्स इस्तेमाल हुआ है इमरात इमरात बीवी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है औरत जो नसाह है वो बीवी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में इमरात भी बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ है और औरत गैर शादीशुदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है नसाह और शादीशुदा औरत के लिए भी निशा इस्तेमाल हुआ है और इसी तरह ये इमरात जो है वो एक औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है शादीशुदा औरत के लिए और गैर शादीशुदा औरत के लिए भी इस्तेमाल हुई है कॉमन जेंडर भी इस्तेमाल हुआ है इसी तरह औरत के लिए एक वर्ड जौज है वो उर्दू लैंग्वेज में जवजा हम कहते हैं बीवी को और वो भी अरबी में जौज़ औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है तो ये तो मैंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कुरान मजीद में मर्द और औरत हम तो एक उर्दू में एक लफ्ज़ कह रहे हैं मर्द और एक औरत और इसी तरह शोहर जब कहेंगे तो वो हो जाएगा बाल और बीवी के लिए औरत अरबी में बीवी के लिए एस सच जैसे बाला कर दें उसके अगर तो बाल शौर हो गया बाला बीवी हो गई नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ कुरान में जिस ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन ज़ोज के अजवाज बीवियाँ तुम्हारी या जोड़े तुम्हारे इस तरह इस्तेमाल हुआ इमरात भी इस्तेमाल हुआ तो ये तो मैंने आपको बता दिया अच्छा अब इसके बाद हमारे माशरे में जो आ, जिस भी आ, कल्चर के अंदर या आप यूँ समझ लें जहाँ भी हम रहते हैं दुनिया के अंदर किसी भी खत्े पर आप रह रहा तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है बच्चा जब बड़ा होता है छोटे से बड़ा जब प्यबटी पे आता है और जवान होता है तो मर्द और औरत का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माँ बाप शर्माते हैं बच्चों को बताने के लिए जनरली मैं बात कर रहा हूँ चंद एक्सेप्शन के अलावा आम तौर पे माँ बाप अपने बच्चों से जवानी जब जवानी को प्यबटी पर पहुँच रहा होता है तो उससे डिस्कस नहीं करते सेक्स के बारे में या ऐसी पर्सनल लाइफ ताकि उन्हें एजुकेशन हो लेकिन कुरान मजीद में इनका इन इन आयात से आपको आज पता चलेगा इतनी वाज बातें लिखी हुई हैं जो कि बच्चों को भी पता होनी चाहिए बड़ों के आदमी को तो पता होनी ही चाहिए कुरान मजीद जो है वो हिदायत है इंसानियत के लिए और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो अपोज़िट सेक्स है वो क्या है तो ज़्यादातर क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ही उम्र के बच्चों से या अपने से एक दो साल बड़ा बच्चा होगा वो कुछ बातें बताता है लड़की किसी और बड़ी लड़की से पूछ लेती है और इस तरह मतलब वो गलत सलत बातें उनके पास जहन में चली जाती हैं और जब वो जवान हो जाते हैं तो फिर वो वो गलतियाँ जो जो सही पता नहीं ना होने की वजह से जो हो जाती हैं उसकी वजह से उनकी साइकी नफ्सियात जो है खराब हो जाती है औरत तो ये मर्द क्योंकि उनको सही सही मालूम नहीं है कि सही तरीका औरत का क्या है और मर्द को किस तरह बिहेव करना चाहिए उनको ये पता ही नहीं है हम लोग फिर पिक्चर देखते हैं ड्रामा देखते हैं और उसके अंदर भी एक एक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है औरत मद का जो कि जनरली पूरा सही तरीके से नहीं है तो ये जो जो आपको आज बातें पता चलेंगी बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपके लिए ताजुब खेज़ होंगी आ, लेकिन ज़ाहरी बात है कि वो अल्लाह की आयत के मुताबिक है तो आपको गलती हुई है इंसान गलती गलती करता ही है लेकिन जब वक्त आए तो फिर उसको उन आयत से अपनी असलाह करे सही करे चाहे वो मर्द हो या औरत अच्छा दूसरी चीज़ कुछ आ, थोड़ी सी नफसयात के बारे में मुझे कुछ पता था तो मैंने कहा वो ज़रा बताता चलूँ वो ये है कि फंडामेंटली फ़ंडामेंटल fundamental कहते हैं बुनियादी तौर पर बुनियादी तौर पर मर्द और, और औरत में जो फ़र्क अल्लाह ने रखा हुआ है जो लोगों ने साइंसदान साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई हैं औरत और मर्द पर वो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ वो इस तरह है कि जैसे कि मर्द है उसके जो जहन है और, और औरत के जो जहन में एक बेसिक फंडामेंटल फ़र्क क्या है वो ये है कि मर्द जी का जो जहन है उसके अंदर बॉक्सेस है साइकोलॉजी नफसियात के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उस बॉक्सेस में उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो वो इंफॉर्मेशन रखता है हर कंपार्टमेंट है समझ लें एक डिपार्टमेंट है या कंपार्टमेंट है या बॉक्स है जिसमें वो इंफॉर्मेशन रख रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे पूछें कि आपके वालिद के बारे में कुछ बताइए तो वो अपने जहन में से वालिद का एक बॉक्स कहीं दबा हुआ होगा उसको वहाँ से निकालेगा और जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो वही बोलेगा वालिद के बारे में माँ के बारे में बेटे के बारे में बेटी के बारे में बहन भाई के बारे में कोई भी बात आप पूछ रहे हैं वो बॉक्स खोलेगा और जो कुछ बॉक्स में लिखा होगा वही बताएगा ये ज्यादातर एवरेज जो रिसर्च हुई है मर्द इसी तरह उनका सोचे कि वो इसी तरह मतलब उस जहन के अंदर उनके जो भी इंफॉर्मेशन होती है अगर वो पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन तो उसके पढ़ाई की स्टडी स्टडी में एक बॉक्स है उसमें रखा हुआ है स्टडी रूम स्टडी रूम है उसका उसमें उसके इन्फॉर्मेशन है तो वो इस तरह इन्फॉर्मेशन रखता है लेडीज़ जो होती है उनका बिल्कुल डिफरेंट तरीका है याद करने का भी उनका बिल्कुल अल्लाह ताला उनको डिफरेंट बनाए जैसे समझिए पाँच मेरे उंगलियाँ हैं ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो अब्बा भी कनेक्टेड हैं शौहर भी कनेक्टेड है बेटा भी कनेक्टेड है बच्चे भी कनेक्टेड हैं है, और शौहर उसके माँ बाप भी कनेक्टेड हैं वो आपस में कनेक्टेड होने की वजह से और उसकी जो साइकी चलती है वो इमोशनली चलती है यानी ख़ातें जो हैं वो ये फंडामेंटली जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक फ़र्क मर्द और का ये है फंडामेंटली बेसिकली बुनियादी तौर पे औरतों की जो सोच और आ, आ, उनकी जो सोचने का और जो जिंदगी को देखने का जो सिलसिला है वो किस तरह वो है कि उनके पास एक ही वक्त में जज्बाती तौर पर हर चीज़ कनेक्टेड है और हर वक्त उनका जहन चलता रहता है कनेक्टेड है अगर फ़र्ज़ करिए अब्बा के बारे में बात हो रही है तो साथ में बच्चे के बारे में भी उस ख्याल आ रहा है उसको अगर शौर के बारे में भी कोई ख्याल आ जाएगा एक ही वक्त में बहुत सारे ख्याल उसके जहन में चलते रहते हैं कभी भी उसके जहन में सुकून नहीं होता यल्ला ने बनाया उनको ताकतवर जहन तो इसमें यह नहीं कि है, है साहन अच्छा और जो मर्द हजरात हैं उनके पास एक बॉक्स है जिसपे उसका नाम है नथिंग बॉक्स नथिंग बॉक्स का मतलब है कि उसके अंदर कुछ नहीं है और ज्यादातर मर्द, अगर उसको कोई ऐसा सिलसिला प्रोवाइड किया जाए कि भाई तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है तो वो नथिंग बॉक्स में बैठ जाए जिंदगी पर कुछ ना करे वो सबसे उसका फेवरेट बॉक्स है जब भी वो अपने काम काज से फारे होता है तो फौरन नथिंग बॉक्स में चला जाता है तो मर्द हजरात जब नथिंग बॉक्स में बैठ जाते हैं जाके तो ख़वातीन को ये समझ में नहीं आता कि ये कुछ कर नहीं रहा तो एक ख़वातीन को बेसिक इरिटेशन ये होती है कि जब मर्द कुछ कर नहीं रहा उनको करता हुआ भी नज़र नहीं आएगा वो अगर काम कर भी हो तो उसके लिए एक काम कर रहा हो कोई ख़वातीन जो होती हैं वो होती हैं मल्टी टास्किंग एक ही वक्त में बहुत सारे टास्क कर सकती हैं मिसाल के तौर पे बच्चा है बच्चे को भी केयर कर रही हैं टीवी चल रहा है तो टीवी भी देख रही हैं और फोन आ गया तो फोन पे भी बातचीत चल रही है और सिलाई भी हो रही है चार काम आराम से कर रही हैं तो आदमी जो होता है वो सिंगल टास्क होता है वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है ये मैं बुनियादी फर्क बता रहा हूँ मर्द औरत का बुनियादी ये हर मर्द ऐसा ही है और हर औरत रहती है अब एक एक्सेप्शन भी है वो मैं आखिर बताऊंगा दूसरी चीज़ ये कि आदमी की आदत सुनने की कम होती है सुनाने की ज़्यादा होती है औरतें जो होती हैं बेसिकली सुनती ज़्यादा है खबर खबर रखना चाहती हैं किसके क्या? क्या? क्या हो रहा है फ़लानी बात पता चल जाए ये बात पता चल जाए वो बात तो वो बेसिकली आप सुना रहे तो वो भी याद कर लिया आपने कोई ऑर्डर दिए वो भी याद कर लिया किसी ने चलता वो कुछ कह दिया चलता फिर तो वो भी याद कर लिया तो बुनियादी तौर पे औरतें जो होती हैं इन्फॉमेशन उनके पास होती हैं सुनने की आदत होती है मर्द को आंगा पौका सुनाने की आदत होती है और मर्द के पास कम अल्फाज है औरतों के पास बहुत सारे अल्फाज हैं मर्द आमतौर पर प्रिसाइस बोलता है टू द पॉइंट औरतें डिटेल चाहती हैं हर चीज़ की हर चीज़ की चाहती हैं हमें एक एक छोटी बारिक से बारिक बात पता चल जाए डिफरेंट तरीके से हम दुनिया को देख रहे हैं तो आप ये मर्द एक्सपेक्ट करें कि आदमी डिटेल याद रखेगा वो ही रहेगा और ना औरत ये समझे कि वो नथिंग बॉक्स में मैं जली जाऊँ नथिंग बॉक्स में नहीं जा सकती क्योंकि उसका हर वक्त सिवाय सोने के बाद अगर कहती है औरतें हमारे सोते हुए भी दिमाग चल रहा है सोते हुए भी दिमाग चल रहा है कुछ ना कुछ तो मेरा कहने का मकसद अच्छा ये तो एक जनरल मैंने आपको बता दिया फंडामेंटली मर्द औरतों में ये बेसिक फर्क है लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बात बताना चाहता हूँ कुछ एक्सेप्शन हैं कि कुछ मर्द उल्टे होते हैं कुछ मर्दों के जो मल्टी टास्किंग होते हैं और कुछ औरतें सिंगल टास्क होती हैं आप समझ रहे एक्सेप्शन तो हर जगह रूल का होता है लेकिन एक बेसिकली फंडामेंटली बुनियादी तौर पे जो फ़र्क मैं बता रहा हूँ ये हर हर एक में फ़र्क होगा लेकिन सिवाय चंद के जो के एक्सेप्शन में आ जाते हैं अच्छा ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये बातें आप जब अब कुरान मजीद में जो आयतें आएंगी तो उसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली नायतों से कि आ, कल्चर जो है हमारा ट्रेडिशंस हैं कल्चर है और जब रिश्ता होता है शादी होता है ये सारी बातें तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। एक आयत और है जो हमारे इस अजवाजी जिनसी ताल्लुक से रिलेटेड है अल-बकरा टू उसकी दो सौ बाईस वयस अलोना कामाखीस कुल उदा फ़ा तज़िल्नसाफिलमाखीस वाला तक्रबू हन्ना हताना फ़ैदा तता फ़ातु हन्ना मिनहित अमर अमर अकमल इनबाबीना व यबुलम और तुझसे हैज के बारे में सवाल करते हैं कह दे वो वह अजियत है बस तुम औरतों से औरतों से ज़माना हैज़ हैज मेंलीहदा अलेध, हो जाओ और तुम उनके करीब न जाओ यहाँ तक कि उनकी तहारत हो जाए बस जब उनकी उनकी पूरी तहारत हो गई फिर उनके पास आ जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें अमर किया बस अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और हरत किए हुए इसे मोहब्बत करता है देखिए मैं आपको बताऊं ये जो आयत में पढ़ रहा हूं वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट ये समझ लें आपकी अजवाजी ताल्लुक या जो 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 जिन्सी तल्लु के लिए ये आयत जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत है बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है ये बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि ज्यादातर दुनिया में औरतों का दिमाग खराब होना जिनका चढ़ना इसी आयत की वजह से हो रहा है और औरतों का मर्दों से लड़ाई करना इसी आज की वजह और कर मर्द रहा ख़राब मैं बताता हूँ कैसे देखिए अल्लाह ताला कहता है वो रसूल सल्लम से अल्लाह कह रहा है वो सवाल कर रहे हैं वह यह सलू कल कलमाखीस वो तुझसे यानी आपसे सवाल कर रहे हैंज़ इसके बारे में तो अल्लाह कहता है कुल हुआ था कि वो अजियत है एक वर्ड अजियत जो है न अल्लाह ने एक वर्ड इस्तेमाल किया कुल हुआ अदा आपने सुना होगा कि नबी सल्लाम को अजियत मत दो हैं तो वो ये वही अजियत है वही वहाँ अरबी में अगर देखेंगे ना कि नबी को अजियत देते हैं लोग अल्लाह कुरान में लिख रहा है तो वहाँ ये नहीं कर रहा है उसको मार दो ये कुरान में नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर औरत को अजियत हो रही है जब उसको महसूरी साइकिल हुआ अब मैं आपको इसके देखिए कुछ अंग्रेज़ी में अल्फाज बताऊँ इसके मायने समझ लें देखिये हर फीम जो औरतें हैं ये फंडामेंटली हर औरत को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और वो किसी मुख्तलिफ तरीके से उसको इजहार करती है इरीटेड होना उर्दू में कहेंगे उसको बेचैनी हो जाएगी उसको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा फिर है उसको तकलीफ पे ऐसा हो जाएगा तकलीफ हो रही है उसको डिप्रेस हो जाएगी मायूस हो जाएगी टेंशन में आ जाएगी उसको गम 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 जा, गम गमजदा एक मूड बन जाएगा गमजादा गम गम मूड हो जाएगा और लथारजी को क्या कहेंगे उर्दू में सुस्ती उठक बैठना उठना बैठने में भी प्रॉब्लम आ रही है कंसंट्रेशन जो है ना कंसंट्रेशन तवज्जे बढ़ जाती है खाने को बहुत दिल चाह है धड़ाधड़ ये ये तो कुछ चंद बातें हैं मगर मैं देखे मैं आपको बता नहीं सकता कि डॉक्टर्स ने इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं कि उस दौरान अल्लाह कहता है जो असल बात समझनी है कि मर्दों से अल्लाह कह रहा है फिलहि मर्द हजरात औरतों से हैस के जमाने में दूर हो जाए और फिर आगे कहता है वला तक और उनके करीब ना जाए दो बातें दूर हो जाए करीब ना जाए दूर हो जाए करीब ना जाएं। दो बातें अगर आप नहीं करते और यकीन आपने नहीं किया होगा मैं चैलेंज से कहता हूं नहीं करा होगा इसलिए कि जब तक यह आयत मुझे पता नहीं थी मैंने वो सारी गलतियां की जो अल्लाह इंसान करता है वो इस चीज को समझ समझिए रहा बिस्तर में सो रहे हैं साथ बिस्तरों में अलैद हो जाए उनसे किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन ना रखें और सारी लड़ाई की जड़ यही है क्योंकि आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसकी सोच को वो अकेले में उसको तकलीफ हो रही वो चिड़चिड़ापन में आपको कुछ कह देगी क्योंकि उसकी तो चिड़चिड़ापन है उसको तो हट आप बल, बल, बिल बिला गए। मुझे क्या कह रही हो वो सारा झगड़ा शुरू हो जाएगा यकीन करें सारी लड़ाई का बुनियादी प्रॉब्लम ये है आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं बात ही ना करें घर से चले जाएं कहना लिख लो मैं एक जब से मुझे पता चला पंद्रह बीस साल हो गए मैंने कहा लिख लो बाद में पूछू और आज तक ना लिखा ना सवाल किया बाद में बिल्कुल सही जाती फिर वो उस वक्त अगर उलझ जाओगे जितना समझाना चाहोगे जितनी तरह समझाओगे उतना वो उलझता जाएगा उलझता जाएगा मामला और आपको ये बता रहा अल्लाह फाता देखे आप अगर आए थे पढ़ रहे हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको लिखी हुई पढ़ रहे हैं और फिर अमल ना करें तो कुरान पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है नहीं कोई मकसद नहीं है इसका मैं इतने लोग जानता हूं ये मैं पता नहीं कौन सी दफा कितनी दफा ये रिपीट कर चुका हूं मगर कंटिन्यूस नो स्टॉप झगड़ा कर रहा है वो आदमी अपनी बीवी के साथ ड्यूरिंग मैंसेस और वो उसमें बीवी कहती है मैं इसमें बिल्कुल नॉर्मल हूं मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूं मुझे यह मत कौ कह, कह के, के तुम हटाओ आप बुलाझ रहे वाई आर यू वाई आर यू मेकिंग अ मंकी आउट ऑफ योर सेल्फ अगर अल्लाह ने कह दिया अलग हो जाओ फात देखे दोबर लिखा फातजरो निशा बस तो जमाना है में उनसे अलग हो जाओ वला वाला और तुम उनके करीब ना जाओ या थोड़ना जब तक उनकी तारत खुद ब खुद हो जाएगी वो खुद नहीं तारत कर सकती जब तक कि तारत वो अल्लाह खुद कर देगा क्योंकि अल्लाह ने मुताह नहीं किया और अल्लाह ही तारत तारत करता है और ये ब्लंडर्स जो हैं ये मिस्टेक नहीं ये ब्लंडर है ये मैं बता रहा हूँ ये ब्लंडर है हमारी मिया बीबी के तालक के अंदर ब्लंडर है कि मर्द औरत से उस जमानेस में उसके अल्फाज अगर वह कह भी दे अवल तो आप सुने नहीं आप वॉक कर जाए डू नॉट इन एंटर इन टू एनी डायलॉग और डिस्कशन एट ऑल आप सिर्फ खाना पीना या कोई ऐसी बात कर दें यकीन करें उसके अलावा बिल्कुल किसी किसी की गुफ्तु ना करें खाने मांग लें क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा है वो एक फेज है वो मीन नहीं कर रही क्योंकि उसके साथ एक समझो एक तरह से प्रॉब्लम चल रही है जो उसको डिप्रेशन हो रहा है मायूसी हो रही है गम आ रहा है और पता नहीं सारे सारे गम के अंदर वो आपको बुरा भी समझ रही है तो ये बताना आपको समझाना चाह रहा हूं हर रिलेशनशिप का ये बड़ा ये जो आए थे ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको अपने को दूर कर देंगे और किसी किस्म की बातचीत नहीं अगर वो करे भी तो तब भी आप उसको जवाब ना दें आप उस 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 सिचुएशन में इन्वॉल्व जज्बात देखिए हमारा मिया बीवी के तल्ल में कोई दोस्ताना से ज्यादा हमारे जज्बाती ताल्लुक है मियाँ बीवी का ताल्लुक एक जज्बाती ताल्लुक है माँ बेटे का ताल्लुक एक जज्बाती ताल्लुक है इसी तरह बाप बेटे का ताल्लुक एक जज्बाती ताल्लुक है फर उसका बाप बन जाता है वो बेटा बन जाता है इसी तरह बहन भाई का ताल्लुक है इसी तरह मिया बीवी के अंदर एक जज्बात है अब वो एक क्योंकि उसकी तबीयत डिस्टर्ब है उसने जज्बात में आपको ऐसी बात कह दी इसमें आग लग गई आपको और आप भिधक गए अब सुनिए क्या होता है आपने उसको उसको कह दिया और वो तो देखे भूलती नहीं है याद है उसको याद रहा अब जब वो नॉर्मल हुई, हुई जब उसके मैं गुजर गए वो जो आपने जुमले बोले वो याद कर लिए उसने अब जब दोबारा दोबारा कोई बात हुई तो उसने आपको याद दिलाया कि तुमने ये कहा था तुमने खुद भूल गए आप कह के और क्या खुद भूल गए कि मैंने ये कहा था उसको तो उसने तो पूरी पूरी छापा हुआ आप यकीन करें आप अपनी जिस दिन से शादी हुई थी <laughs> शादी से लेके और आज तक वो बटन दबा पूरा, पूरा पूरा बता दी ये, ये हुआ था उसके बाद तुमने वहां बैठे थे तुमने ये अफाज इस्तेमाल कर पूरा एक चीज बिल्कुल कल की अभी की अभी भी की बात है इसी लम्हे की बात है ये तो ये यह आप अगर आए हैं और अल्लाह ताला के साथ चाह रहे हैं कि फंडामेंटल समझें आप चाहते हैं कि अपनी बीवी के साथ ताल्लुक अच्छे करें तो उसको जैसे अल्लाह ने बनाया उस तरह समझें और जिस तरह अल्लाह ने उसको बनाया वो समझे मर्द को अब ये दोनों की है बात ये एक तरफ नहीं कर सकता तो आपको ये बताना मैं कह रहा हूं जितनी लड़ाइयां जितनी बीवी के झगड़े हुए हैं इसी आयत की बुनियाद पर क्योंकि ना सुनता है इसको ना औरत बिस्तरों में सो है मैं, मैं, मुझे मैं। मैंने बताया। आप अलग हो जाए तुम उनसे अलग हो जाओ है के अंदर वाला तक रहा उनके करीब मत जाओ हता युड़ना यहां तक कि उनकी तहारत हो जाए फैदा तता जब उनकी तहारत हो जाए तता फा तो हाई तू हमारा फिर उनके करीब आओ जैसे ने तुम्हें ऑर्डर किया तब आए आप तो अल्लाह कह रहे बस तुम उनके करीबा जहाँ से अल्लाकुम दिया बेशक अल्लाह तोबा कबूल करने वाले से मोहब्बत करता है और मोहब्बत करता है जो मुतार होते हैं मतलब तहारत करते हैं यानी कि वो उसको जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लगेंगे इन रियलिटी तो आप मुतार हुए तहारत किया आपने तहारत की मतलब ये ये समझे ये बड़ी इंपॉर्टेंट आय थी तो आगे इसी आए थी कंटिन्यूटी में अब अल्लाह कह है इसी में कंटिन्यूटी में निशाकुम हर्षुल्कुम

अब ये जो जुमला है जिस तरह तुम चाहो ये और तुम्हारी खेतियाँ अल्लाह ये बताया है कि इंसान फार्मर जो खेत खेती बाड़ी करता है उसका मेन मकसद क्या है, है? फसल उगाना ना ये बेसिक बेसिक बुनियादी मकसद ये है कि फसल उगाता है तो ये तो नहीं बंजर जमीन रखे अपनी जिंदगी पर बीवी को समझ बात को तो ये अल्लाह तला ने इतनी एक कहता रहा हूं मैं कि तीन चार आयतों में इतनी डीप बातें बताई हुई है अल्लाह ताला है अब आप और जो 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 बाहर की मुल्क की औरतें हैं ना उन्हें बाकायदा बुरा लग रहा है आप यकीन करें हम क्या हम बच्चे पैदा करें हम ये अल्फाज होते हैं हम बच्चे पैदा करें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रह गए हम हम भी घूमने जाते हैं अरे घूमने फिरने कौन मना कर रहा है मतलब अल्लाह तला ने उनकी नफ्सियात बनाई है खेत मतलब उनके यहाँ अल्लाह ताली जरिया बनाता है उनके जरिए इतनी बड़ी क्रिएशन होती है बच्चा पैदा होता है उसका एक माँ का एक बच्चे के साथ ताल्लुक पैदा होता है उसको अल्लाह ना खेत बनाया उसको बुरा लग रहा, कि रहा है कि खेत क्यों कह रहे हैं आप हमें तो खेत के तौर पर अल्लाह तला ने यह समझ ये भी गलत है खेत उसको आप खेत के लिए इस्तेमाल ना करें और ये भी गलत है कि आप ओवरलोड कर दें दोनों चीज़ें गलत है अब उसका मैं आपको बताता हूं लेकिन कहता है कि आ, जैसे तुम चाहो उसमें चाहती होनी चाहिए कि देखें बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके यहाँ अब ये मैं डिटेल में जा रहा हूं बस सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं समझने के लिए कि बच्चा जो होता है किसी का नहीं होता उसकी बहुत सारी रीजंस हैं मतलब मेडिकली मेडिकली भी और उसकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ओवरीज हैं ओवम है स्पर्माटोजवाज हैं अगर फर्सलो दोनों मैं एक मिसाल दे रहा हूँ दोनों हेल्दी हैं मोमिन है मर्द है औरत भी मोमिन है औरत है और उनके औलाद नहीं हो रही है तो वो डॉक्टर से कंसर्न करके कोई भी तरीका इस्तेमाल करना अन्नाशी तुम जैसे तुम चाहो यानी कैसे भी आदमी चाहे किसी भी तरीके से चाहे कि उसकी यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाए चाहे वो टे, टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों ना हो ये बेसिक एम होना चाहिए कि इस तरीके से हम आर्या औलाद हो अगर मतलब जिस हद तक भी वो कोशिश कर सकता है जो भी इस साइंस की मेडिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके अगर दोनों मर्द औरत हेल्दी हैं लेकिन नॉर्मल प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा बच्चा तो आप कोई भी मेडिकल डॉक्टर से कंसर्न करके आप कंसर्न करके इस तरह फर्टिलाइज करते हो अल्लाह की पॉइंट ऑफ व्यू जायज़ है वक्त तकुल्लम को मुलाकू और इख्तियार करो अच्छा और ये लिखा है वक्द मोलियफ तुम अपने नफ्सों के आगे क्या भेजेंगे आप यहाँ देखिए फिर दोबारा पढ़ता हूँ औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं बस तुम अपने और खेतियों के करीब आओ जैसे तुम चाहो वकद्दमोलियफो अपने नफ्सों के आगे आगे भेजो क्या भेजेंगे आगे मर्दों से कह रहा है औरतों से औरतों से नहीं कह रहा हर काम आपने वो कह रहा है जैसे तुम चाहो कोई भी जरिया कोई भी चीज़ तुम करना चाहो आपका आगे भेजने का मकसद है कि आगे आप फ्यूचर सोच रहे हैं कि औलाद हो हमारी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर तरीके आगे अपने नफ्सों के ऐसी चीज़ करनी है कि अल्टीमेटली वो भी खुश हो आप भी खुश हो और अल्टीमेटली हमारी और ये याद रखें मैं एक और बात बता दूं दूँ वद आगे भेजने में ये भी होता है आगे भेजने को देखिए हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं हर लमारा हमारा आगे बढ़ रहा है लेकिन वो एट द सेम टाइम पास्ट हो रहा है पास्ट टेंस तो मैं ऐसे अल्फाज कहूँ जैसे हम कहते हैं नई नई शादी जब जाते हैं हनीमून जाते ही जाते हैं। कभी आपने पूछा हनीमून में क्या हुआ पता लड़ाई कर रहे थे वो सब हनीमून बुरा हो गया ज़्यादातर लोगों का बुरा हो जाता है हनीमून वजह ये होती है कि उनको पता को जाए नहीं मर्द को औरत का नहीं पता औरत को मर्द का पता पहुँच गया जरा शहर पहुंच गया कोई इलाके में तो पहुंच गए जहाँ जहाँ भी गए थे और पद दोनों कि, किसी बात पर उड़ुंग लड़के बैठे हुए तो वो जो था क्यों वो क्या हुआ वो उन्होंने स्टार्ट ही गड़बड़ कर दी क्योंकि न मालूम होने की वजह स्टार्ट ही गड़बड़ कर रहे हैं तो आगे भेजने का मतलब ये है कि आप ऐसे अमाल करें या ऐसी बात करें कि बाद में जब आप रिकॉल करें लड़की या आप रिकॉल करें तो वो अच्छे अल्फाज अच्छा चेहरा ज़्यादा है बुरे अल्फ और बुरे चेहरा याद ना करे जो लिस्ट खुल जाती है उसमें फ्लैश होते हैं ये सब फ्लैश खुल गए ये सब दिमाग में तस्वीरें आ गई गलत सलत ये आपने आगे भेजा हुआ है जो आप आगे गए आप जो पीछे रिवाइज किया तो गलत गलत शक्लें आ रही है तो वो फिर इस तरह अच्छी अच्छी शक्लें कभी नहीं आ रही तो इस तरह आदमी आगे भेजे कि वो जब रिकॉर्ड हो तो वो अच्छा मॉल हो क्योंकि औरतें तो मैंने कहा ना इमोशन चलती हैं जब जब तहारत हो जाए उनकी जब तहारत होते हैं उनको आप ऐसे अल्फाज बोलते रहें ऐसे जुबले बोलते रहें जिससे वो अच्छी जिंदगी उनकी चलती रहे आगे नफ्सों के ये भेजना अच्छे अल्फाज अच्छी बात है बकरा अलबक्री एटी सेवन आए थे जिसमें उसी से रिलेटेड बातें चल रही है ओखम लईलत्यामी लिबास

बस अब उन उनसे मुबास कर लिया करो और ढूंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया अब देखिए यहाँ पर आजकल भी रमजान है रमजान जब आप रोज़े रखते हैं तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में किसी साहब ने पूछा भाई अल्लाह ताला ने तो खाने पीने को मना किया है मैं जी तो कहने लगे वो मतलब ताल्लुकात के बारे में क्या कह रहे हैं आप समझने आप अजवाजी ताल मैंने कहा भैया आप कैसे आदमी हैं ये अल्लाह ताला यहाँ लिख रहा है हलाल कर दिया रात में ओह लकुम लई सयाम और रफ़सु इला नसाकुम यानी रात में अल्लाह ताला ने हलाल किया है कि तुम अपनी अजवाज़ के बीवियों के साथ रफस करो और रफस के मान होता है बेहूदा गुफ्तगु आप यकीन करें ये एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में जितने तर्जुमे हैं इस आयत के अंदर रफ़ सक मायने नहीं करेंगे वो आप समझ रहे मेरी बात को यानी जितने तर्जुमे अवेलेबल हैं वो ये नई तर्जुमा कर रहे है कि रफा सा अल्लाह ताला कह रहा है हम लोगों से मर्द हजरात से कि तुम अपनी बीवों से बेउदा गुफू करो ये ये तो मैं बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ बेहूदा शरुफाना रफस के कि माने और भी है। वैसे डिक्शनरी देखें तो आप घर पे जाके देखें इसका इंग्लिश होता है ऑप्सिन ऑप्सिन टॉक ऑप्सिनिटी बेहुदा पोस्चर्स या बेहुदा गुफ्तू इस तरह को अल्लाह कह रहा है बीवियों से तुम आप कर सकते जाहिर बात है बीवियों के साथ आप रिलेशनशिप में कर सकते हैं लेकिन रमज़ान की रात में इजाजत दी यानी रोज़े की हालत में नहीं कर सकते रात में कर सकते हैं आम रातों को कर सकते हैं और रमज़ान की उसकी हालत में तो उन्होंने तर्जुमा नहीं किया और यही लफ्ज़ कुरान मजीद में सूर अल बकरा टू वन नाइन्टी सेवन लिख लें वहां पर ये अल्लाह कहते हैं जब आप हज पे जाते हैं तो वहां पर रफसा ना करें वहां पर भी मना किया अल्लाह ताला ने वहां पर मना कर दिया ये कुरान में दो दफ़ा आया यही लफ्ज़ रफसा यानी ये अल्लाह कह रहा है कि यहां पर रोजे की रात में आप बेहदा गुफ्तगू कर सकते हैं लेकिन जब आप हज पे ही गए हैं आप तो अगर आपके साथ बेगम है उनके साथ आप बेहूदा गुफ्तगू नहीं कर सकते तो ये अलाव है स्पेशल कंडीशन के अंदर अच्छा ये ये अल्लाह कह रहा है कि आगे एग्जाम इसी आयत में लिखा लिबासुल हुना लिबास तुम लिबासना वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो तो आप फर्ज करिए कि वो लिबास के, वो जो आपने बेहुदा गुफ्त की है अपनी बेगम से ये प्री है अजवाजी ताल्लुकात के लिए तो प्री उर्दू में समझ समझते हैं आप लोग यानी कि रिलेशनशिप से ताल्लुक से पहले तैयारी रिलेशनश तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ी बेहूदा गुफ्तु स्टार्ट करें तो ये समझिए एक जरूरत है मर्द और दोनों के लिए स्पेशली औरत के लिए क्योंकि अफाज चाहिए उसको जिससे इस चीज का सिलसिला स्टार्ट हो तो अल्लाह ने कहा ये तुम्हारा लिबास है वो तुम्हारा लिबास है यानी वो जाके बताएगी ना बाजार में शी कैन नॉट टॉक ये कह वो हन्ना लिबासन लगा कम लिबास सुनना उन्ना तुम, तुम एक दूसरे के लिबास हो तो वो गुफ्तगु वो एक बिल्कुल प्राइवेट डिस्कशन है बिटवीन हजबैंड वाइफ दैट हैज टू रिमेन प्राइवेट बिकॉज इट कैरी मीनिंग वो तो एक प्री रिक्वेजेड है एक रिलेशनशिप को को आगे एक, उसको उसको बाहरने के लिए आप उसको उठा के <laughs> उसको आप लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकते कि साहब ऐसे हैं आप लिबास समझ लें आप तो अल्लाह वो लिबास है और आगे अल्लाह कहते हैं आलिम अल्लाहम तख्तान फताब अल कम वाफा अनकुम अल्लाह जानता है कि तुमने अपने नफसों से खयानत की अल्लाह ने तुम्हारे पर लौट और माफ कर दिया क्या खयानत करी? आप आज तक नहीं कर रहे आप यकीन करें कि जो मर्द हजरा मजहबी हैं वो बाकायदा नहीं करते वो बेहूदा गुफ्तगू नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेट भी नहीं किया तो वो अल्लाह कह रहे तुमने अल्लाह ने अल्लाह जानता है कि तुमने खयानत की खानत का मतलब तुम्हें करना था तुमने नहीं किया अल्लाह ने नफ्सों को कहा कि ऐसा करो तुम खैनत कर रहे थे तो अल्लाह कह रहे तो अल्लाह लौट गया तुम्हारे में माफ कर दिया यानी कि आप करो और कहता फल आना बादश होना बस अब करो बादशाह तुमसे तो ये बाकायदा अल्लाह ताला ये आपको एजुकेट कर रहा है ये है वो देखिए मैं बताना चाह रहा हूं अल्लाह ने एक छोटे से बात के अंदर एक बेहूदा लफ्ज लिख के पूरा सेक्स को डिफाइन कर दिया विथ योर फीमेल बिकॉज फीमेल के लिए फंडामेंटली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फीमेल्स के लिए मॉनस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसके साथ उससे पहले बहुत ऐसी प्रणाली जिसका सर हो समझा मेरी बात तो हम लोग जो है वो अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं उस वक्त अस्तुल्ला अच्छा अब क्योंकि जाहरी बातें हम सुनने ही आए हैं कि मियाँ बीवी के तल्लुक के बारे में कुरान क्या कहता है हम ये जानते हैं कि मिया बीवी के तल्लु में एक जिनसी ताल्लुक हो गया एक दफसाती ताल्लुक़ हो गया तो कुरान मजीद में तीन आयतें हैं जो जिनसी ताल्लुक का प्रिसाइस बहुत ही प्रिसाइस और अच्छे पर्दे के अंदर वाजे कर देता है इतनी आपको पचास हज़ार किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है समझ भाई बहुत ही सबसे पहले सूर्य नू ट्वेंटी फोर फिफ्टी एट आयतें हम वो देखेंगे उस उस ताल्लुक ये बीवी के उस ताल्लुक को अल्लाह ताला ने किस तरह बयान किया या यूल लदीन मलकत ऐमान والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم अ वो लोगों जो ईमान लाए तुम से वो लोग जो तुम्हारे दायने आयत की मिल्कियत में हैं और तुम में से वो जो सन बलोकत को नहीं पहुँचे तीन अवात में इजाज़त लें फजर की नमाज से पहले और इस वक्त जब तुम दोपहर से अपने कपड़े उतार देते हो और ईशा की नमाज़ के बाद तुम्हारे लिए शर्म गाह के तीन अवात हैं तुम्हारे ऊपर और उनके ऊपर उन अकात के बाद गुना नहीं कि तुम्हारे गिरद घूमे बाश तुम्हारे बाश इजाज़त इजाज़त के इजाज़त ले इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात बयान करता है अल्लाह जानने वाला और हमत वाला देखिए आप ये देखिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड में पढ़ता हूँ सलासु अरबी में पढ़ रहा हूँ सलासु औरतम सलासु औरतम यह तुम्हारे लिए तीन अवकात शर्म शर्मगा ये मैंने इसका तर्जुमा किया है लेकिन इसका हमारे यहाँ उर्दू लैंग्वेज में और अवराज जो है ना वो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट को कहते हैं आप जाके कंफर्म कर सकते हैं डिक्शनरी में जाके तो हमारी उर्दू में तो जरा अल्फाज को शर्म उस तरह बता दो तो।, तो ये तीन अवकात मतलब ये अल्लाह ने इस, इस के लिए रखे तो वो क्या रखा फजर के से पहले ईशा की नमाज के बाद और जोर असर के दरमियान जहीरा ये तीन अवकात अल्लाह ने बड़े आपको वाज तौर पर बताए और कहा क्या कि बच्चे जो सन बलोगत को नहीं पहुँचे वो आपसे उस प्रेमिस में इजाजत लेके आए ये पर्दादारी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको माँ बाप को या जो लोग हैं जिनकी फैमिली है तो वो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे ना आ जाए या कोई नौकर ना आ जाए उस प्रेमिस के अंदर जब आपने इन तीन अवकात में बच्चों को कहा जा रहा है अल्लाह ये बेसिक सिंपल चीज समझा रहा है क्योंकि लोग नहीं करते और फिर सिचुएशन में आ जाते हैं फिर शर्मिंदा होते बच्चे भी समझते हैं क्या होगा हमारे किस हालत में थे तो वो कंडीशन ना आने की वजह से बाकायदा अल्लाह मना कर रहा है कि बच्चे इजाजत लेके आए सने बलुगत को हो या उससे छोटे हो या बड़े वो उनको इजाजत लेके ले आए तो ये आपको बताना ये बात सिंपल है लेकिन मुझसे लोग से पता कैसे क्यों साहब इस ये तीन अवकात जो अल्लाह ने बताएं इसके अलावा हम मैंने भाई ये तीन अवत्या लावा की बात हुई बात हो रही है कि अगर ये तीन अवत्यात अल्लाह ने बयान किए तो वो बेस्ट पॉसिबल हैं आप दुनिया के अंदर देखें कि आदमी हो या औरत हो वो सुबह कहीं काम पर जा रहा है कोई नौकरी कर रहा है रात को आ रहा है टाइम बेस्ट बेहतरीन टाइम है कि सब दुनिया सो रही है <laughs> तो ईशा की नमाज के बाद से लेकर और फजर की नमाज़ तो आपके पास टोटल टाइम है सोने का कुरान पढ़ने का तो ये ये टाइम बता दिया अल्लाह ने है ना लो नहीं अब कहना दिन दिन में दोपहर में बता दिया